हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आरएनजी के। अब आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5 का लेसन 9 का संपूर्ण हल। तो वीडियो को देर ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें, इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे। चलिए देखते हैं लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन। इन द सर्विस ऑफ द नेशन लेसन 9, यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप इसका ऑप्शन ए पे राइट लगाइए, 1964। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिकॉज बाबूजी ऑन पैरोल। तो आप इसमें सी वाले पर राइट लगाइए, बट द रिफ्यूज इसका सही आंसर आएगा, बट द रिफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड, इस पर डी पे आप आंसर लगाइए, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबूजी सन रिकवर्ड फ्रॉम आएगा यहाँ पे, फ्रॉम हिज इलनेस सून। और क्वेश्चन नंबर 5, द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल कहाँ है, टेबल के नीचे। इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर बी पे राइट लगाएंगे, ऑप्शन बी पे राइट लगाओ और इसके इसमें आएगा अंडर। अब अपन देखते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 6 वाले में आप फ्रीडम लिखिए, 7th में रिप्लाई और 8th में प्राइम मिनिस्टर और 9 में एट और 10 में आएगा जेल। इस तरीके से आपके स्थान पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए, उनको चुन के अपन को लिखना है, जो कि मैंने लिख दिए हैं। अब अपन आगे देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। राइट द नून नाउन फ्रॉम ऑफ होनेस्ट, तो आप लिखो होनेस्ट का नाउन होनेस्टी, इसके आंसर में आप लिखो होनेस्टी। और क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन डिड शास्त्री जी स्लोगन वर्क वंडरफुली। लाल बहादुर शास्त्री गिव ए सिंपल स्लोगन टू द पीपल ऑफ इंडिया, जय जवान जय किसान द फार्मर ऑल द फार्मर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वाज शास्त्री जी अवार्डेड भारत रत्न, तो आप लिखो 1969 में इनको भारत रत्न से अवार्डेड किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 14 है, रिरेंज द लेटर ऑफ मेक मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ पे ये शब्द दिए हैं गलत, इनको अपन को रिरेंज करना है। तो आप लिखो पहले में सर्विस आएगा और दूसरे में ऑनेस्टी, नहीं दूसरे में कंट्री, सॉरी। अब अपन देखते हैं बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में देना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड शास्त्री जी टू गो टू जेल और द टेक केयर ऑफ दिस सन, तो इसका आंसर लिखो, बाबूजी किट हिज सम सन फॉर हेड एंड ऑप्टेड टू गो टू जेल। अब 16 वाला देखिए, वाट वाज डियर टू शास्त्री जी देन इज डॉटर, तो हिज कंट्री वाज डियर टू हिम देन इज डॉटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में सही प्रपोजिशन चुनकर खाली स्थान भरना है।
तो आप लिखें देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock, द रैबिट इन द गार्डन। 18 वाला है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया गिवन टू शास्त्री जी, ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न, द इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्डेड। इस तरीके से आपके ये 18 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए। अब आप 19 वाला देखिए, रिरेंज द जंबल वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे टेढ़े आड़े शब्दों को लिखा है, उनको अपन को सही क्रम में जमाना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इनको उतार सकती हो, उतार सकते हो बच्चों। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ मतलब एक आंसरिंग पैसेज दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और इसमें से फिर अपन जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे आंसर का क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, तो आप इनको इसको पढ़ के इनमें से इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन दिए ए बी सी डी ई, पांचों क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए, तो आप उनको देख के अपनी बुक्स में उतार सकते हैं।